पाकिस्तानी फिल्म मैं हूं शाहिद आफरीदी और भारतीय फिल्म यंग मलंग में आइटम सॉन्ग से दिल जीतने वाली मारूफ मॉडल और डांसर मथीरा ने कहा है कि किसी भी खातून का मेरे साथ मुआजना कोई बुरी बात नहीं। मथीरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अदाकारा किरण ताबीर की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सवाल उठाया कि न जाने लोग इन्हें इतना बुरा क्यों समझते हैं। मथीरा ने जिस पोस्ट को शेयर किया था इसमें किरण ताबीर की एक तस्वीर पर एक मद्दाह खातून ने कमेंट करते हुए इन्हें मथीरा की जुड़वा बहन करार दिया था। किरण ताबीर ने खातून की जानिब से इन्हें मथीरा की जुड़वा बहन करार दिए जाने पर कमेंट करते हुए लिखा था कि इन्हें ऐसा करने पर अदाकारा सलाम पेश करती हैं। किरण ताबीर के जवाब का स्क्रीनशॉट मथीरा ने शेयर करते हुए इस पर अफसोस का इजहार किया कि उनसे मुआजने को अदाकारा बुरा समझ रही हैं। मथीरा ने लिखा कि किसी भी खातून का उनके साथ मुआजना करना कोई बुरी बात या तजलील नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा समझता है तो इसकी अपनी मर्जी। मथीरा ने लिखा कि ऐसी सोच रखने वालों को वो सलाम पेश करती हैं। मथीरा ने सवालिया अंदाज में मजीद लिखा कि न जाने क्यों लोग इन्हें इतना बुरा समझते हैं। मथीरा की जानिब से किरण ताबीर की पोस्ट पर जवाब देने की पोस्ट वायरल हो गई और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस ने भी इसे शेयर किया, जिस पर लोगों ने कमेंट्स करते हुए उनका साथ दिया। बहुत से लोगों ने मथीरा की तारीफें की और लिखा कि वो साफगो खातून हैं और लोग इन्हें न जाने क्यों बुरा समझते हैं। याद रहे कि पसंद की शादी करने के बाद तलाक लेने वाली मथीरा को हमेशा उनके बोल्ड लिबास और बयानात की वजह से तनकीद का सामना रहता है। दूसरी जानिब किरण ताबीर रवा भर तब खबरों की जीनत बनी थी जब उनके एक पुराने ड्रामे का सीन वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने डबल रोल अदा किए थे। वायरल होने वाले क्लिप्स में किरण ताबीर को शिजा और फिजा के किरदारों में दिखाया गया था जो कि दो सगे भाइयों से शादी करती हैं, लेकिन शादी वाली रात इनके शौहर बदल जाते हैं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।